गाइज आज हम एक ऐसी अद्भुत दुनिया में जाने वाले हैं जहां पर हमें कई अलग अलग तरह के किंग कोंग मिलने वाले हैं। उनमें से कुछ किंग कोंग तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि वे अपने एक अटैक से पूरे लॉस सैंटोस को भी खत्म कर सकते हैं। और उन खतरनाक किंग कोंग के पास अलग अलग तरह की काफी ज्यादा पावर्स भी हैं। जैसे कि एयर किंग कोंग के पास उड़ने की और सुपर जंप की पावर है, वैसे ही वॉटर किंग कोंग के पास पानी के अंदर चलने की पावर है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा ताकतवर और खतरनाक किंग कोंग है वो फायर किंग कोंग है। तो अब देखना ये है कि क्या हम इन सुपर किंग कोंग को ढूंढ पाएंगे या फिर किंग कोंग के हाथों ही मारे जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। गाइस आज का एडवेंचर काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है क्योंकि आज मैं GTA की दुनिया में एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पर हम इंसानों का आना मना है। क्योंकि गाइस जो ये वाला इलाका है ना, ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी इंसान आता है ना तो वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है और उसके बाद उस इंसान का क्या होता है उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। तो ये वाला जंगल का इलाका काफी ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंसानों को जानवर खा जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत या ऐसी कुछ चीजें दिखती है। तो आज इसलिए मैं यहाँ पर आया था ताकि मुझे लग रहा था कि शायद हमें यहाँ पर किंग कोंग मिल सकता है, क्योंकि गाइस ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है। तो यहाँ पर शायद किंग कोंग के हमें कुछ सबूत मिल सकते हैं। तो चलो अपनी बाइक पर यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर इस वाले इलाके को यार काफी केयरफुली हम एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है। गाइस आप है ना एक काम करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप जल्दी से वीडियो को लाइक करोगे तो शायद हो सकता है हमें किंग कोंग जल्दी से मिल जाए। और गाइस यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बड़ी घास है यार, हमारी बाइक के पहिए भी नहीं दिख रहे, इतनी बड़ी बड़ी घास है। बस मुझे यहाँ पर अपनी बाइक को थोड़ा संभाल कर चलाना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरी बाइक पंचर हुई तो यहाँ पर यार मैं इसे ठीक भी नहीं कर पाऊंगा और हमारे घर पर वापस जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो चलो यार यहाँ पर घूमते हैं। गाइस ये वाला इलाका है ना काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। देख लो यहाँ पर सांप भी हो सकते हैं और बिच्छू भी हो सकते हैं। यहाँ पर शायद हमें कुछ मिल जाए। ये देखो यहाँ पर हिरन तो मिले हमें, बाकी के जंगली जानवर हमें अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाए। चलो आगे की तरफ चलते और वहां पर जाकर देखते हैं, शायद हमें वहां पर कुछ मिल जाए। गाइस यार हमें यहाँ पर यार वॉटर किंग कोंग मिल जाए ना तो हमारे लिए काफी ज्यादा मस्त बात हो जाएगी। और गाइस क्या आपने, ओ भाई वो क्या है, एक मिनट मैं यहाँ पर उतरता हूँ भाई, पेड़ों के पीछे से देखेंगे उस वाले किंग कोंग को। और गाइस ये देखो ये वॉटर किंग कोंग है और गाइस देखो कितना ज्यादा बड़ा है यार। इसके पीछे से छुप कर देखता हूँ गाइस, कभी ये मुझे देख ना ले, अगर इसने मुझे देख लिया तो हम काफी ज्यादा दिक्कत में पड़ जाएंगे। यार इसके सामने पूरा आइलैंड ही कितना ज्यादा छोटा लग रहा है, इसके पैर यार कितने ज्यादा बड़े और इसका फेस भी। गाइस आपने आज से पहले यार वॉटर किंग कोंग कभी भी नहीं देखा होगा तो एक लाइक यार इस वाले वॉटर किंग कोंग के लिए जरूर कर देना। बाहर निकलो इंसान, मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरी इन आंखों से कोई भी मेरे जंगल में नहीं छुप सकता, बाहर निकलो, मैं तुम्हें साफ साफ देख पा रहा हूँ, तुम उस पेड़ के नीचे छुपे हुए हो। शिट यार इस किंग कोंग ने हमें देख लिया है। चलो गाइस बाहर जाकर है ना इससे बातें करते हैं, मैं नहीं चाहता कि इसको गुस्सा आए और ये हमें यहाँ पर कुचल डाले। तो चलो बाहर जाते और इससे यार थोड़ी सी बातें करने की कोशिश करते हैं। हेलो किंग कोंग, मेरा नाम फ्रैंकलिन है और मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे यार मिलने आया था। मैं तुम्हारी बुआ का लड़का लगता हूँ जो तुम मुझसे मिलने आए थे, असली काम बोलो तुम्हें क्या काम है। अरे अरे नहीं किंग कोंग, आज मैंने सोचा आज है ना मैं एलिमेंटल किंग कोंग को ढूंढूंगा, तो मुझे आज सबसे पहले तुम वॉटर किंग कोंग दिखे हो और तुम दिखने में यार काफी ज्यादा मस्त लगते हो। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं तुम्हारी इस बहादुरी से खुश हुआ तो मैं तुम्हें अपनी शक्ति का एक अंश देना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम एक दिन के लिए पानी के अंदर भी सांस ले सकते हो, यानी कि तुम पानी के अंदर भी जादुई तरीके से चल पाओगे और ऐसा तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अरे अरे किंग कोंग यार बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। चलो गाइस वॉटर के अंदर जाकर देखते हैं कि हमें यार पानी की दुनिया देखने में कैसी लगती है। गाइस यार आज से पहले ये वाला कारनामा किसी ने भी नहीं किया होगा। चलो वहां पर समुद्र के अंदर चलते हैं और उसके अंदर देखेंगे कि समुद्री दुनिया कैसी होती है। तो गाइस हमें एक दिन के लिए यार वॉटर के अंदर चलने की शक्तियां मिली है और चलो इस वाली शक्ति को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि वो वाली शक्तियां कैसी है। अरे गाइस यहां पर दो इंसान है, इन्हें मार देता हूं, कभी इन्हें भी यार किंग कोंग देख ले और वो यार इन्हें भी शक्तियां दे दे, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। अबे भाई कहां पर जा रही है, चलो इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। एक गोली यहां पर मारते हैं, ये ले गाइस, अगर इसे भी यार
मेरा किंग कोंग देख लेता ना तो वो इन्हें भी अपनी शक्तियां दे देता। तो गाइस अभी हम पानी के अंदर आ चुके हैं लेकिन हम ज्यादा अंदर नहीं गए हैं और वो देखो वहां पर वॉटर किंग कोंग खड़ा है। चलो उसकी यार शक्तियों को टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हम पानी के कितने अंदर तक जा सकते हैं। गाइस मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है कभी यहाँ पर यार शार्क ना आ जाए। और गाइस ये देखो मैं पानी के अंदर चल पा रहा हूँ। ओ गाइस यार ये देखो हम पानी के अंदर भी दौड़ पा रहे हैं। चलो एक बार और गहराई में चलते हैं। अरे गाइस यार पानी के अंदर की दुनिया कितनी ज्यादा मस्त है ये देखो। अरे भाई साहब कितने मस्त मस्त पेड़ पौधे हैं यहाँ पर पानी के अंदर सच में। ओ भाई यार कितनी अच्छी अच्छी मछलियां हैं ये देखो ब्लू कलर की मछलियां हैं और यहाँ पर यार ये देखो पिंक कलर के मुझे। ओ भाई ये यहाँ पर क्या था भाई यार यहाँ पर मुझे लगा कि यहाँ पर एक स्नेक था। चलो बाहर चलते हैं थोड़ा उस तरफ भी चलकर देखते हैं। ओ भाई यार सच में गाइस अंडर वाटर यार वर्ल्ड काफी ज्यादा ही अमेजिंग है सच में यार। आज हमें यार काफी ज्यादा मस्त वाली पावर्स मिल चुकी हैं। तो गाइस वाटर किंग कोंग की इन शक्तियों के लिए एक लाइक वीडियो को जरूर कर देना। तो चलो अभी हमने वाटर किंग कोंग को ढूंढ लिया है और अभी देखते हैं कि हमें कौन से वाला किंग कोंग मिलने वाला है। सो ऑलराइट गाइस अभी हम यार एयर किंग कोंग को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। और गाइस मुझे पता चला कि जो एयर किंग कोंग है ना वो वहां पर यार दूर बादलों में उसका एक छोटा सा आइलैंड है। और गाइस जैसा कि वो एयर किंग कोंग है ना तो उसका आइलैंड भी हवा में तैरता है। तो गाइस यार मुझे वो वाला किंग कोंग भी देखना है कि वो वाला किंग कोंग देखने में कैसा होगा। लेकिन गाइस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे और वो वाला किंग कोंग है वो बादलों से भी ऊपर रहता है। तो गाइस उस वाले किंग कोंग तक पहुंचना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और अगर आप चाहते हो कि मैं उस वाले किंग कोंग तक पहुंच जाऊं और आपको दिखाऊं कि एयर किंग कोंग कैसा है तो यार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देना। आप जैसे ही कमेंट सेक्शन में लिखोगे मैं एयर किंग कोंग के आइलैंड पर पहुंच जाऊंगा तो मैं तीन तक गिनूंगा। जैसे ही मैं तीन गिनूं आप कमेंट सेक्शन में लिख देना आप जैसे ही लिखोगे मैं एयर किंग कोंग के आइलैंड पर पहुंच जाऊंगा। तो 3, 2, 1 ओह सो गाइस यार ये देखो अभी हम यार एयर किंग कोंग के यार आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि ये वाला आइलैंड कितना ऊपर है। ये देखो गाइस नीचे आपको यार वो समुंदर दिख रहा है और वो रहा हमारा लॉस सैंटोस। यार वहां के पहाड़ भी हमें यहां से यार कितने छोटे दिख रहे हैं। और गाइस ये है ना एयर किंग कोंग का यार बेस है यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं ये एयर किंग कोंग का आइलैंड है। और गाइस यहां पर हमें एयर किंग कोंग दिख तो नहीं रहा मुझे लग रहा है कि कहीं वो छोटा तो नहीं है वो वाला किंग कोंग। नहीं यार किंग कोंग तो यार वो बड़ा ही होगा लेकिन गाइस ये वाला आइलैंड देखो पूरा पत्थरों से बना हुआ है और यहाँ पर कितने ज्यादा बड़े बड़े पत्थर हैं। और गाइस और ये देखो यहाँ पर एक छोटा सा ऑफिस भी है पता नहीं ये क्या है मतलब ऑफिस टाइप लग रहा है। चलो यहाँ पर चलकर देखते हैं यहाँ पर यार ये क्या रखे हुए हैं। गाइस यार इनके अंदर पता नहीं क्या रखा हुआ है काफी अजीब सा सामान है। चलो इस आइलैंड को और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इस वाले आइलैंड पर हमें और क्या देखने को मिलता है। गाइस यार मुझे यार इस आइलैंड पर चलते हुए भी डर लग रहा है ये काफी ज्यादा ऊंचा है। ओ गाइस ओ भाई बचका बचका आराम से भाई फ्रैंकलिन नीचे मत गिर जाइयो नीचे गिर गया ना यार हड्डी पसली सारी एक हो जाएंगी यार आराम से अभी मैं नीचे गिर गया होता गाइस। अबे भाई आराम से यार ये इतने ज्यादा बड़े बड़े पत्थर है ना मेरा जल्दी से यार पैर फिसल जाता है यहाँ से बिल्कुल आराम से यहाँ पर। गाइस ये क्या है ओ भाई यार शीशे का बना हुआ है यार यहाँ पर चलते हुए भी डर लग रहा है यहाँ पर थोड़ी देर दे। ओ भाई यहाँ पर ये क्या है टेनिस का यार टेबल भी है यार किंग कोंग को टेनिस खेलना पसंद है क्या यार यहाँ से आराम से बिल्कुल आराम से कहीं हम नीचे ना गिर जाए। गाइस यार मैंने यहाँ पर सारी जगह पर ढूंढ लिया है लेकिन मुझे यार एक बार भी यार यहाँ पर एयर किंग कोंग नहीं दिखा है। यहाँ पर क्या करने आए हो तुम अरे यार ये किसकी आवाज लग रही है इतनी भयानक सी पीछे मुड़ के देखो बेटा कौन खड़ा है। अरे यार चलो मुड़ के भी देख लेते हैं कौन है भाई कौन है ये इतना बड़ा राक्षस। ओ भाई यार यहाँ से तो दिख भी नहीं रहा इतना ज्यादा बड़ा है चलो पीछे की तरफ चलते हैं वहां से देखते हैं ये कौन है भाई इतना बड़ा कौन है। अरे भाई साहब अब देखो ये वाला किंग कोंग कितना ज्यादा बड़ा है। तो गाइस हमने यार एयर किंग कोंग को भी फाइनली देख लिया है और गाइस ये वाला किंग कोंग है ना वाटर किंग कोंग से भी देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम फ्रैंकलिन है और तुम मेरे भाई वाटर किंग कोंग से भी मिलने गए थे उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो चलो मैं तुम्हारी बहादुरी से खुश हुआ और मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देता हूँ यानी कि उड़ने की शक्ति कूदने की शक्ति
अब तुम आम इंसान से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए तुम हवा में उड़ भी सकते हो और लोगों से काफी ऊंचा कूद भी सकते हो। अरे गाइस यार, ये तो और भी ज्यादा ओपी हो गया। इस वाले किंग कोंग ने भी हमें पावर्स दे दिए। चलो इसकी पावर्स को टेस्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यार उड़ने वाली पावर को टेस्ट करूंगा। चलो उड़कर देखते हैं। अरे भाई सब गाइस ये देखो, हम उड़ भी पा रहे हैं। अरे भाई अब देखो ये वाला किंग कोंग कितना ज्यादा बड़ा है। थैंक यू किंग कोंग यार, तुमने मुझे यार इतनी ज्यादा पावर्स दी। तो ठीक है, अभी मैं अपने शहर में जाता हूँ और वहाँ पर लोगों को दिखाता हूँ कि मुझे तुमने कितनी ज्यादा पावर्स दी है। ठीक है फ्रैंकलिन, लेकिन तुम आम इंसानों को मेरी इस जगह के बारे में मत बताना, वरना वो भी यहाँ पर आ जाएंगे और मेरे इस टापू को बर्बाद कर देंगे। ठीक है किंग कोंग, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, मैं अपने शहर में जा रहा हूँ अभी। चलो गाइस अपने लॉस सैंटोस में चलते हैं और वहां पर देखेंगे कि लोगों का क्या रिएक्शन होगा जब वो हमें उड़ते हुए देखेंगे। गाइस यार बादलों के ऊपर उड़ना यार काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस है, और देखो हम कितनी जल्दी नीचे जा रहे हैं एक बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। भाई आराम से लैंड। ओ भाई साहब यार सच में कितना ज्यादा ओपी लगता है ना उड़कर। चलो एक राइड और लेते। अबे भाई यार कितनी तेज उड़ रहे हैं हम तो। भाई यार ये देखो पूरे लॉस सैंटोस को यार थोड़ी देर में हम क्रॉस कर देंगे। यार सच में ये वाले किंग कोंग ने यार काफी ज्यादा ओपी पावर दी थी। चलो यहाँ पर लैंड करते हैं। और चलो गाइस अभी हम ना कूदने वाली पावर्स को भी टेस्ट करेंगे, देखते हैं कि हम कितना ज्यादा ऊंचा कूद सकते हैं। और ये मैं अभी कूदने जा रहा हूँ। 3 2 1 जंप। अबे भाई साहब, भाई यार ये नहीं बिल्कुल सोचा था इतनी ऊंची जंप। यार ये देखना एक और जंप मारूंगा। ये देखो भाई यार कितनी ऊंची जंप मारी मैंने। यार जितना मैं तेज उड़ सकता हूँ ना उतनी ऊंची जंप भी मार सकता हूँ। ये देखो यार पूरे लॉस सैंटोस में इतनी ऊंची जंप कोई भी नहीं लगा पाएगा। तो गाइस यार हमने एयर वाले किंग कोंग को भी ढूंढ लिया है। तो चलो अभी देखते हैं कि हमें अगला किंग कोंग कौन सा मिलने वाला है। सो ऑलराइट गाइस, अभी हम फायर किंग कोंग को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और गाइस मुझे यार उस लोकेशन का पता चल गया है जहां पर हमें यार फायर किंग कोंग मिलने वाला है। और गाइस मैंने तो ये भी सुना है कि उस वाले विलेज में है ना कई बार तो यार ज़ॉम्बीज भी देखे गए हैं, यानी कि आप सोच ही सकते हो कि वो वाला विलेज कितना ज्यादा खतरनाक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, उस वाले विलेज में जल्दी से पहुंच जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वहां पर हमें यार फायर किंग कोंग कैसा दिखने वाला है। तो गाइस यार फाइनली काफी ज्यादा देर के बाद मुझे कुछ ऐसी चीज दिखी है जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखी होगी। रुको मैं आपको दिखाता हूँ। और गाइस ये देखो मुझे यहाँ पर क्या मिला है। ये देखो भाई साहब कितने बड़े बड़े यार फायर किंग कोंग है और साथ में वहां पर एक अर्थ किंग कोंग भी है। तो गाइस हमने फाइनली यार 4 के 4 एलिमेंटल किंग कोंग को ढूंढ लिया है। यहाँ पर हमें एक साथ 2 किंग कोंग मिले हैं, एक तो फायर किंग कोंग है और एक अर्थ किंग कोंग है। और यहाँ पर 2 फायर किंग कोंग है। यार ये वाले किंग कोंग मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि काफी ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं हमारे लिए। तो चलो यहाँ से यार निकल पड़ते हैं। मैं नहीं चाहता कि ये वाले किंग कोंग हमें देख ले और हमारे ऊपर हमला करते हैं। और गाइस मुझे यहाँ का वेदर भी काफी ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। ये देखो मेरे फेस को क्या हो गया है, पता नहीं ग्रीन क्या हो गया हमारे फेस को। चलो यार इस वाले इलाके से निकल ही लेते हैं और यहाँ के किंग कोंग से हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमें पता लगा है कि ये वाले किंग कोंग काफी ज्यादा खतरनाक है और ये है ना इंसानों पर काफी खतरनाक तरीके से हमला भी कर देते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि आपको कौन से वाला एलिमेंटल किंग कोंग पसंद आया है। गाइस मेरा तो फेवरेट यार वाटर किंग कोंग था और उसकी यार पावर भी काफी ज्यादा मस्त थी, क्योंकि हमने यार पानी के अंदर की दुनिया देखी थी तो वो मेरे लिए काफी ज्यादा नई बात थी। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता देना कि आपका फेवरेट किंग कोंग कौन सा है।